नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव एपीओ रेलवे। मेरा चैनल आप लोगों के लिए है, बना हुआ है आप लोगों के लिए। महत्वपूर्ण सूचनाएं, महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाता रहता हूं। जिन लोगों ने या आपके दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर ले। आज आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि एचआरएमएस में ग्रीवांस मॉड्यूल लॉन्च हो चुका है, कुछ कुछ रेलवे में, कहीं कहीं लॉन्च नहीं हुआ है। तो कहने मतलब यह हुआ है कि आने वाले समय में इस जून में ग्रीवांस मॉड्यूल लॉन्च हो जाएगा। ग्रीवांस मॉड्यूल में आपको इस्टेब्लिशमेंट संबंधित, मतलब पर्सनल संबंधित, उसके अलावा धीरे धीरे आपके इलेक्ट्रिकल शिकायतें, क्वार्टर संबंधित शिकायतें या जो भी शिकायतें होंगी पूरा एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी। उसी परिपेक्ष में आपको रेलवे स्टेब्लिशमेंट के स्टेब्लिशमेंट जो भी है पूरी तरह से एचआरएमएस में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। उसी कड़ी में आपको एक जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी कि जिस तरह से आई पास में आप लोग इंक्रीमेंट के संबंध में काम करते हैं, इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक जुलाई में रन कराते हैं, लग जाता है, उसी तरह से एचआरएमएस में भी एटी बनेगी, आपका रोस्टर बनेगा एचआरएमएस में ही, और इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट भी इसी मॉड्यूल है, वो भी लॉन्च हो जाएगा। मतलब इंक्रीमेंट इसी से लगेगा एचआरएमएस से ही। इसलिए आप सभी लोगों से मैं बोलूंगा कि जिसके जिसके कर्मचारी दूसरे बिल यूनिट में या दूसरे इंप्लाई को असाइन है तो वो यूनिट एडमिन से संपर्क करके अपने अपने कर्मचारियों की गणना कर ले, चेक कर ले। यदि कोई कमी है, कोई कर्मचारी आपका नहीं है, तो आप यूनिट एडमिन से संपर्क करके अपने कर्मचारियों को अपने आईडी में असाइन करवा लीजिए। क्योंकि जैसे ही आपका इंक्रीमेंट मॉड्यूल लॉन्च होगा उस समय इंक्रीमेंट की गणना के लिए आपको एक एक कर्मचारियों की पड़ेगा, एक एक कर्मचारी कौन कौन से हैं, प्रत्येक कर्मचारी के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, कौन से कर्मचारी आपके डीएनआर के तहत हैं या नहीं है, किनका इंक्रीमेंट रुका है, किनका नहीं रुका है, किनका प्रमोशन हुआ है, किनका नहीं हुआ है, ये सारी सूचनाएं आप तैयार कर लीजिए। मैंने आपको बताया कि जुलाई में इंक्रीमेंट आपका जो है एचआरएमएस से लगेगा, परंतु उसके पहले आप तैयारी करेंगे, हो सकता है कि ये आपका 15-20 दिन के अंदर, मतलब कहने का 20 तारीख के आसपास इंक्रीमेंट मॉड्यूल लॉन्च कर दिया जाए आपको टेस्टिंग के लिए। आप देख लीजिए, यदि उसके अलावा भी आपके कोई इंप्लाई है जो कि आपके पास असाइन नहीं है या कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि कर्मचारी को इंक्रीमेंट दिया गया फिर बैक कर लिया गया, या कर्मचारी को चार्जशीट दी गई उसके अलावा वहां पे उसका रुक गया, जो भी एज पर रूल है। तो कहने मतलब आप इसको देख लीजिए। उसके अलावा जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे आपके कौन कौन से कर्मचारी आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आपको लिस्ट से मिलान करना पड़ेगा। कोई भी कर्मचारी आपको लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो आप यूनिट एडमिन से संपर्क करके उस कर्मचारी को अपने आईडी में असाइन करवा लीजिए। आने वाले समय में जैसे ही इंक्रीमेंट मॉड्यूल लॉन्च हो जाएगा उसके बाद इस पे सीनियरिटी पे काम किया जाएगा। सीनियरिटी जैसे कि हमारे प्रयागराज डिवीजन के कर्मचारी हैं वो जानते हैं कि मैंने आपके लिए पहले से ही इस तरह का परफॉर्मेंस बना रखा था कि सीनियरिटी ग्रुप किस प्रकार से होना चाहिए, कैडर का ग्रुप किस प्रकार से होना चाहिए, ये आपके जो 49 पॉइंट एक मैंने बना रखे थे वो सबको पता है। तो कहने मतलब उस पॉइंट पे आप पूरी तरह से फोकस करिए। और जो मैंने सीनियरिटी ग्रुप अलग अलग, मान लीजिए जूनियर क्लर्क है तो क्लर्क की सीनियरिटी किस तरह से होगी, क्योंकि क्लर्कों का जो प्रमोशन होगा, रोस्टर होगा, तो सबसे पहले आप समझिए कि जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, ओएस, चीफ ओएस, इनका एक ग्रुप बनेगा। ग्रुप से ही रोस्टर, ग्रुप से ही सीनियरिटी, ग्रुप से ही आपका वैकेंसी कैलकुलेशन, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी से सब कुछ गणना होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पता है कि जब आप जूनियर क्लर्क की वैकेंसी की गणना करते हैं तो चीफ ओएस से लेकर पूरे नीचे तक, चीफ ओएस, ओएस, सीनियर क्लर्क, सबकी कि जो भी वैकेंसी होती है उसको नीचे लेके फिर जूनियर कैसे उसको भरते हैं, तो उसके लिए आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। पता चलेगा कि आपको कौन कौन से ग्रुप इसमें शामिल होंगे, तभी आप रोस्टर अच्छी तरह से चेक कर पाए, आप वैकेंसी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में एचआरएमएस में जो आपका पूरा स्टेब्लिशमेंट पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा और आपको पूरी तरह से कंप्यूटर पर निर्भर रहना पड़ेगा। ना हो कि आप पूरी तरह से कंप्यूटर पर पूरी तरह डिपेंड हो जाएं और आप जो मैनुअल आपकी जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाए। लेकिन इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो हर एक कर्मचारी, हर एक डीलर, हर एक ऑफिस अपना अलग अलग जो है नियम फॉलो करता है, वो नियम एक ही जगह से, एक ही तरह से सब पे लागू होगा।
तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे। जो कर्मचारी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या जो नए रेलवे में आए हैं, उनको एक ही ट्रेनिंग देने पे वो पूरी तरह से समझ जाएंगे और नियम के अनुसार काम करेंगे। मेरे हिसाब से मैंने जो आपको बताया वीडियो कि एचआरएमएस में इंक्रीमेंट मॉड्यूल लॉन्च होने वाला है, उसके अलावा सीनियरिटी मॉड्यूल लॉन्च होने वाला है, रोस्टर लॉन्च होने वाला है, आप इसकी तैयारी करिए। और जो भी आपके कर्मचारी आपकी आईडी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी आईडी जो है अपने यूनिट एडमिन से संपर्क करके आप अपनी आईडी में उनको असाइन करवा लीजिए। धन्यवाद।